सर सर हमने ये माल जो है ये 10-20 लाख का माल लाया यहाँ पे, बैंक वालों से हमने लोन लिया, शी फार्म लगा के हमने कहा कि कारोबार करेंगे, इसमें कुछ हमें भी बचत आएगी और बैंक वालों को भी वापस करेंगे। तो इस तरीके से कोरोना वायरस के हिसाब से माल नहीं बिका, तो जो लोग मांगते हैं वो भी कम रकम पे मांगते हैं, बोलते हैं कोरोना वायरस है, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, 8-10 हज़ार के ऊपर नहीं जाते हैं। अगर 15 या 16 हज़ार हमारी ख़रीद है, 8-10 हज़ार में हम उसको कैसे देंगे, इसमें तो हमें बहुत लॉस हो रहा है। तो देखेंगे अगर हमें अपनी कीमत में वो वापसी पैसे नहीं आएंगे तो हम उसको कम रेट पे नहीं देंगे, ना ही तो ये हमें जो लोन लिया यही वापस हो पाएगा। तो ये जो माल है कुछ लोग उससे धारा लाया, उनको और पैसे देने हैं, चलो पहले पैसे तो लिए बैंक वालों से, बैंक वालों को भी देने हैं। तो इस माल में सर हमें बहुत घाटा पड़ा है, मंडी नहीं, रेट नहीं है, कोरोना वायरस से यहाँ पे रेड जोन लग गया है। लेकिन एक बात और भी है, हम सोशल डिस्टेंस रखते हैं जब माल देते हैं, कोई भी आदमी हमारे पास आता है हम उसको बोलते हैं एक एक आदमी करके आओ, मास्क का इस्तेमाल करो और सोशल डिस्टेंस से आओ, आराम से आओ, एक एक आदमी करके ले। फारूक जी, माल है सर 8-9 लाख का माल था सारा टोटल जो खरीदा हुआ था व्यापार का, तो इस वक्त हालात ख़राब होने से जो कोरोना वायरस की वजह से कुछ भी नहीं माल नहीं बिक पाया, इस वक्त टोटल 30 हज़ार का माल बिका है, सब माल मौजूद है इस वक्त, शाम शाम के या कुछ भी नहीं है, इस माल को कुछ हमें फ़ायदा नहीं है इस बार के, पिछली बार भी नहीं माल बिका, इससे हालात ख़राब था ईद में, इस साल भी वही पोजिशन है, बिल्कुल कुछ नहीं है। एक 10 लाख का माल है साल का, जो आधा आदमी कुछ लोगों को पैसा देना था वो भी नहीं है, कोई आधारा दिया कोई पैसा दे रहा, आपने था 5-4 लाख वो भी लगा दिया इसी माल में, तो क्या करें, हालात ख़राब है, अगर हालात ठीक होता तो बिक जाता है।